नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। आप सभी शिक्षार्थियों का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक प्रकरण रहेगा शिक्षार्थियों के भाषा विकास पर समुदाय का प्रभाव, जिस पे हम आज परिचर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षार्थियों के भाषा विकास पर समुदाय का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले परिचर्चा रहेगा भाषा का अर्थ क्या होता है, ये समझना हमारे लिए आवश्यक है। भाषा का अर्थ किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अव्यक्त करना, बोलना। जो भी हम बोलते हैं, हम किसी न किसी माध्यम से उसको अव्यक्त करते हैं, वो भाषा में आता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था है। भाषा ऐसे ही नहीं, वो ध्वनि प्रतीक, जो भी हम ध्वनि प्रतीक हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, वो एक निश्चित व्यवस्था है जिसके अनुसार हम उसको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। भाषा को व्यवहारिक उपयोग में लाने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है। भाषा के जो भी हम भाषा प्रयोग में ला रहे हैं डेली लाइफ में, प्रतिदिन हम भाषा का जो बोल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको एक निश्चित नियम है, व्याकरणीय नियम है, उनका हम पालन करते हैं। उसके सेट ऑफ रूल हैं, उसके व्याकरण के नियम समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं, ताकि भाषा समाज के लिए उपयोगी बने। भाषा व्याकरण ये नहीं फिक्स हैं, पहले से ही निर्धारित हैं, ऐसा नहीं है। वो स्थान, परिस्थिति, क्या सिचुएशन है, पहले जैसे थे, यानी भाषा अभी लगातार चल रहा है, पहले भाषा जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, परिस्थिति है, स्थान है, वो अपना रूप परिवर्तन करता रहता है। भाषा अब हम देखते हैं कि समाज में भाषा पहले बहुत क्लिष्ट था हिंदी, अब डेली, अब रेगुलर दिन प्रतिदिन हम भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, तो भाषा आसान बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि डेली बोलचाल में हम उसको प्रयोग में ला सकें, बोल सकें, आसान लगे, समाज के लिए उपयोगी भी हो। वो ये नहीं कि वो कठिन है, कि भाषा देखते हैं कई कि हम हिंदी हमें कठिन लगता है, संस्कृत कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन हम डेली जो हम बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कि वो उपयोगी रहे समाज के लिए, डेली हम उसको आसानी से हम उसका उच्चारण कर सकें, बोल सकें, समझ सकें। भाषा की परिभाषा, कई विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है, जैसे पतंजलि की एक परिभाषा है, भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को अव्यक्ति देते हैं। पतंजलि की परिभाषा ये वह व्यवहार है जिसमें व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को अव्यक्ति देते हैं। जो भी शब्द हैं, सेट ऑफ रूल हैं, वो निर्धारित जो शब्दों के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, निशान हैं या प्रतीक, उसको हम एक क्रम भी हम उसको प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को उसके थ्रू, उसके द्वारा हम उसको अव्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। एक स्वीट की परिभाषा है, भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अव्यक्ति है। जो भी ध्वनि है, अब भाषा है, प्राणी सभी जितने भी जीव हैं अपने किसी न किसी तरह से भाषा को व्यक्त करते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो भाषा को द्वारा अपना प्रतीक, अपने माध्यम से उसको व्यक्त करता है। स्वीट की परिभाषा भी यही कहा है, ध्वनियों के माध्यम से, जो भी ध्वनि है, अब ध्वनि कभी हम ध्वनि के माध्यम से, कभी विचारों के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करते हैं। जो भी हम ध्वनि के माध्यम विचार व्यक्त करेंगे, प्रस्तुत करेंगे दूसरों के द्वारा, हम दूसरों को अपनी बातों को कन्वे करेंगे, अव्यक्त करेंगे, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। यादृच्छिक, जो अचानक कहीं से ध्वनि संकेत मिले, हम उसको फिक्स किया, जिसके द्वारा हम मानव विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा लिए, ध्वनि प्रतीक हैं, ध्वनि प्रतीक जैसे कि ऐसा फिक्स नहीं है, यादृच्छिक कोई शब्द मिल गया, अचानक शब्द मिला, हम उसको एक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था दिया, बोले जैसे पुस्तक है, अब कोई कहे कि पुस्तक को आपने पुस्तक ही क्यों वर्ड यूज किया, क्यों शब्द यूज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसलिए हमने पुस्तक यूज किया, लेकिन क्या जो जिस तरह से अब बना, यादृच्छिक ध्वनि संकेत, कुछ चिन्ह मिले, संकेत मिले, उसको हमने भाषा के रूप में व्यक्त करना, आदान प्रदान करना स्टार्ट किया, वो भाषा अपना रूप लेना प्रारंभ किया। भाषा का महत्व क्या है? भाषा का महत्व एक विशेष संकेत प्रणाली है जिसे ध्वनि संकेतों से बनती है, एक विशेष संकेत प्रणाली है। जैसे कि हम कुछ हम शब्दों में बोल के व्यक्त कर रहे हैं,
को ही हम उसको इशारों से व्यक्त कर रहे हैं, वो पारस्परिक ध्वनि संकेतों से बन के बनती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। एक उसकी विशेषता है, ये एक विशेष संकेत प्रणाली लिया गया है उससे बनी है। भाषा क्षमता को प्रकट करती है, बौद्धिक क्षमता को, कई क्षमताओं को, लेकिन बौद्धिक क्षमता प्रकट, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम अव्यक्त कर रहे हैं, वो हमारी भाषा के द्वारा ही पता चलेगा। हम कितने विद्वान हैं, अब कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता को हम उसके बोल के ही पता लगा सकते हैं कि कैसा विद्वान व्यक्ति है। कहते हैं हम कि बहुत बड़ा वक्ता है, वो कैसे वक्ता है, लेकिन इंटेलिजेंट है, बौद्धिक क्षमता को प्रकट करती है भाषा। वो क्या बोल रहा है, किन शब्दों का चयन कर रहा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है, हम उससे उसकी बौद्धिक क्षमता को पता लगा सकते हैं। भाषा व्यापक है और उसकी बोली उसका एक स्वरूप है। भाषा बहुत व्यापक है, उसमें कई बोलियों का समावेश है। बोली है, बोली क्षेत्रीय हो सकती है, एक समुदाय की हो सकती है, एक किसी जैसे कोई डॉक्टर समुदाय है उसकी अपनी एक अलग हो सकता है, अलग शब्दावली हो सकती है। ऐसी बोली के क्षेत्रों के अनुसार बोली है, जैसे भोजपुरी बोली है, गढ़वाली है, वो क्या है, एक तरह से जो भाषा है व्यापक है। कई अपने संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन बोलियाँ उसके क्या है, एक पार्ट है, एक स्वरूप है। बोलियों से ही निकल के, रिफाइन होके, परिशुद्ध होके वो भाषा का रूप लेती है। भाषा क्रियात्मक कौशल है, मनोक्रियात्मक जो मन में चलता है, क्रिया है, उसे कौशल है, एक स्किल है भाषा। भाषा वाचिक तंत्र में सहायक होती है, वाचन, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा वाचिक तंत्र क्या है, वो एक उसमें सहायता करती है भाषा। जो वाचिक तंत्र है जिसके द्वारा भाषा निकलता है, हमारा शब्द उच्चारण कर रहे हैं, जो वोकल कॉर्ड है, वो हमारी भाषा के अनुसार वैसा ही हम प्रोनंसिएशन करेंगे, वैसा ही हम उच्चारण करेंगे। जैसी भाषा होगी, ये देखा होगा आपने, फॉरनर्स हैं, इंग्लिश का उच्चारण करते हैं, उनका अलग वाचिक तंत्र है, अलग तरह से उसको उच्चारित करते हैं, उस तरह से उनकी वोकल कॉर्ड उस तरह से डेवलप होता है। भाषा एक संप्रेषण के सभी साधन है, जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं, भाषा के बिना हम एक दूसरे को कुछ संप्रेषण नहीं कर सकते। संप्रेषण के माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक अव्यक्त करते हैं। संप्रेषण जो भी हमें दूसरे को पहुँचाना है, वो भाषा, किसी न किसी भाषा का हम सहायता लेते हैं जिसके द्वारा हम उसको अव्यक्त करते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हाव भाव, संकेत आदि भाषा के विभाग हैं, कहते हैं रीडिंग राइटिंग, है ना। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, हाव भाव, संकेत, ये सब भाषा के विभाग हैं, इनके द्वारा हम अपनी बातों को अव्यक्त करते हैं, भाषा का हम सहारा लेते हैं। बालक का संवेगात्मक और सामाजिक विकास भाषा विकास से ही संभव है। अब संवेगात्मक विकास करना है उसका, या सामाजिक विकास करना है, भाषा ही संभव है। जब हम बाहर जा किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं हम क्षेत्रों, तो भाषा का विकास कैसे होगा। हमें भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करेंगे, दूसरों से मिलेंगे, अपने दूसरों की कल्चर को, दूसरों की परिस्थिति को, दूसरों के मनोभावों को समझते हैं, वो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट बालक का होता है। भाषा ज्ञानार्जन व चिंतन का उत्कृष्ट साधन है। ज्ञान अर्जन करना है, चिंतन करना है, तो भाषा का ही सहायक है। भाषा ही, आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपका चिंतन उत्कृष्ट होगा। अदरवाइज आप क्या सोचेंगे, जितनी आपका संकुचित एक अपना जितना ज्ञान है उतना ही सोचेंगे। अब दूसरे को ज्ञान अर्जन करना है तो आपको भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे किसी भाषा का आप लें। सामाजिक संरचना, संस्कृति व क्रियाकलापों का आधार भाषा ही है। भाषा विकास की आवश्यकता क्या है, भाषा विकास की आवश्यकता क्यों, हम भाषा विकास की बात कर रहे हैं आज। भाषा में शैक्षिक उपलब्धि है तो आवश्यक है कि स्टूडेंट का कितना शैक्षिक उपलब्धि है, उसकी भाषा के द्वारा ही, उसके बोलने पे ही आप पता चला सकते हैं कि उसको कितना ज्ञान है। भाषा सामाजिक मूल्यांकन है तो आवश्यक है, सामाजिक मूल्यांकन कि यार कोई अच्छा वक्ता है तो हम के सामाजिक उसकी एक उसे क्या प्रसिद्धि मिलती है, उसे सामाजिक प्रसिद्धि मिलती है कि बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, सामाजिक मूल्यांकन आवश्यक है। इच्छा आवश्यकता पूर्ति है तो आवश्यक है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, आवश्यकता क्या है, वो भाषा के द्वारा हम दूसरे को बता सकते हैं, अव्यक्त कर सकते हैं कि उसे क्या उसकी आवश्यकता है, क्या इच्छा है, उसकी पूर्ति आवश्यक है। भाषा ध्यानाकर्षण नेतृत्व है तो आवश्यक है, हम किसी को आकर्षित करना है और लीडरशिप लीड करना है किसी को, हम भाषा के द्वारा लीड कर सकते हैं, अच्छे से हम बोल सकते हैं, अपनी बातों से उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लीडर भाषा की आवश्यकता है। आत्ममूल्यांकन है तो आवश्यक है भाषा, क्योंकि जो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है तो हम भाषा के द्वारा कर सकते हैं, हम कैसा बोलते हैं, जो आज हमने बोला कैसा हमें फीडबैक मिला, कैसी हमें प्रतिक्रिया मिली, तो उसके लिए भाषा आवश्यक है। सामाजिक संबंध हेतु भाषा की बहुत आवश्यकता है
कि हम भाषा विकास करें, अपने सोशल रिलेशनशिप डेवलप करें, कि भाषा होगी तभी हम समाज के लोगों से मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात को अव्यक्त कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं, उनकी हम सहायता कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक संबंधित भाषा की बहुत आवश्यकता है। भाषा विकास का पोषण, अब भाषा विकास की बात करें, उसको कैसे पोषण उसको करें, हम कैसे उसको हम बढ़ावा दें उसको। सबसे पहले हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा को आरंभ मातृभाषा में ही करना चाहिए। उसकी प्राथमिक स्तर पे अब कक्षा छोटा है, स्टार्टिंग में है, कहते हैं उसकी लैंग्वेज मदर टंग में होना चाहिए। जिस भाषा का वो यूज़ कर रहा है, फ्लुएंटली यूज़ कर रहा है, वो समझ रहा है, उसमें ही आप उसको मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से वो समझ सकता है, अच्छे उसको उसी भाषा का विकास हम करें, कोशिश करें। मदर टंग में कहा भी गया है, जितने भी कमीशन्स आए हैं, शिक्षा एजुकेशन कमीशन जितने भी आए हैं, उन सभी के यही अभिव्यक्ति है, सभी ने यही कहा है कि हम बच्चे को मदर टंग में ही उसका शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को आपसी वार्तालाप ही तो अवसर देना चाहिए। बच्चे आपस में बात करेंगे तो उनकी भाषा का विकास होगा, आपस में बात ही नहीं करेगा कैसे हो, एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज होंगे, उनका आपस में उन्हें इंट्रैक्शन का चांस देना चाहिए, वार्तालाप का अवसर देना चाहिए। पीयर लर्निंग कि एक दूसरे बहुत सीखते हैं, कोई किसी कम्युनिटी से है, कोई दूसरी कम्युनिटी से है, और जो मिश्रित आयु वर्ग के समूह हैं उनसे उन्हें बोलने का अवसर देना चाहिए, उनसे एक दूसरे के विचारों का आपस में आदान प्रदान हो। कोई किसी भी पृष्ठभूमि से है, कोई दूसरी पृष्ठभूमि से है, तो आपस में संपर्क में आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शब्दावली का विकास होगा, सीखेंगे। गतिविधियों के माध्यम से वार्तालाप को बढ़ाना देना चाहिए, कि जो एक्टिविटी क्लास में कराना चाहिए, स्कूल में कराना चाहिए, जिससे उनकी भाषा विकसित हो, डेवलप हो, एक्टिविटी हो। उसके पाठ्यक्रम के हर क्षेत्र में भाषा प्रयोग के भरपूर अवसर देना चाहिए, चाहे कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप गणित पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चाहे आप और कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। कैसे कैसे इस तरह का होमवर्क दें, ऐसी गतिविधि कराएं कि उनकी जो भाषा है, जिस भाषा को आप पारंगत करना चाहें, वो उनके अवसर मिले, प्रयोग के अवसर मिले, उससे भाषा का पोषण होगा। बालक को शुद्ध भाषा बोलना, लिखना, प्रयोग के अवसर देना चाहिए, शुद्ध भाषा बोलें। आजकल क्या बाइलिंगुअल होते हैं कि कभी कुछ भाषा मिश्रित बोलते हैं या अभ्रष्ट बोलते हैं, लेकिन अवसर देना चाहिए, वो लिखने पढ़ने के अधिक से अधिक शुद्ध भाषा बोलने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक द्वारा भावों को सही अभिव्यक्त देने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो हम बोलते हैं उसका आपके गेस्चर पोस्चर उसी तरह का होना चाहिए। अभिव्यक्ति वैसे होगी तो स्टूडेंट समझेगा, अनुकरण करेगा, उसे उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बालक को शब्दों के सही अर्थ, उनकी सार्थकता, महत्व व संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए। ये शब्द हैं, उनका सही अर्थ क्या है, उनकी सार्थकता क्या है, रिलीवेंस क्या है, महत्व क्या है, और संदर्भ कहाँ उसको प्रयोग करना है, उन शब्दों को कहाँ प्रयोग करना है, उसके बच्चे को अवसर देना चाहिए। बालक के भाषा विकास से परिचित होकर समयानुकूल भाषा का विकास या प्रयोग सीखना चाहिए, कि किस समय में किस तरह की भाषा का हमें प्रयोग करना है, कि जैसी परिस्थिति होगी उस तरह की हम भाषा का प्रयोग करें, वो बच्चे को हमें सीखने का अवसर देना चाहिए। भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं, आप पढ़ेंगे भाषा इतिहास में। परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत से हमारा संदर्भ है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण। परिपक्वता जब हम जो भाषा के अवयव हैं, शब्दावली है, स्वर है, उस पर नियंत्रण, उस पर नियंत्रण इतना अभ्यास करें उस पर नियंत्रण आ जाए, परिपक्वता मैच्योरिटी आएगा, तो भाषा विकास आसानी से भाषा को विकास हम कर सकते हैं, संभव है। अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का कि जैसे एक उदाहरण से बताना चाहूँगा, अनुबंध कि एक कंडीशनिंग हो जाता है, जैसे एक आपने कहा कि ये पेन, पेन मुझे दो, पुस्तक मुझे दो, तो उसका उससे अनुबंध हो गया, ये पुस्तक है, ये पेन है, ये आम है, वो एक कंडीशनिंग हो गया, अनुबंध का सिद्धांत, उससे भी भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण जो हम करते हैं उसका अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, कोशिश करता है, जब हम बोले तो स्टूडेंट भी वैसा बोला, उसी भाषा का उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, तो अनुकरण का सिद्धांत, उसके द्वारा भी भाषा विकसित होती है। भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा के निश्चित नियमों का अनुकरण कर वाक्यों का निर्माण करना चाहिए, भाषा जितनी हम संभव हो अधिक से अधिक भाषा को अर्जन करें, वो सिद्धांत है। जितना हम साहित्य पढ़ेंगे भाषा का विकास हमारा होगा, हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो एक जो सीमित क्षेत्र है उसी की भाषा का हमें ज्ञान होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक साहित्य का, अधिक से अधिक लिटरेचर के संपर्क में आए, उनका हम अपनी भाषा को विकसित करें।
भाषा दोष, वाणी विकार जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे भ्रष्ट उच्चारण, हम तरह तरह से उच्चारण कर रहे हैं वो भ्रष्ट उच्चारण है, हम सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, गलत उच्चारण कहीं सुना और गलत तरीके से हम उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, या कह सकते हैं स्पष्ट अस्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण हम नहीं कर पाए, अस्पष्ट हम उसको प्रोनंसिएशन कर रहे हैं क्लियर नहीं है, अस्पष्ट तरीके से उच्चारित कर रहे हैं, वो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम स्पान चाहिए उससे ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो अस्पष्ट क्लैरिटी नहीं है उच्चारण में, ये भी भाषा दोष में हम आएगा। ये तुतलाना, हकलाना या घबराहट, बहुत घबराहट में है तो भाषा दोष है, हम उसमें भाषा सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा, घबराहट में बोला, डर रहा है, या तीव्र अस्पष्ट वाणी, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी बोलता है ना, अस्पष्ट वाणी, मुझसे सही से आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, क्या बोलने का प्रयास किया है इसका, आप सही नहीं समझ पाते, तो ये भाषा दोष और वाणी विकार में आएगा। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कौन कौन से कारक हैं जिससे भाषा प्रभावित होती है या भाषा विकास प्रभावित होता है, भाषा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला हम कारक मान सकते हैं जैसे बुद्धि, बुद्धि है भाषा को प्रभावित करती है, जैसा हमारा मानसिक विकास होगा, जैसी हमारी इंटेलिजेंसी है उसी अनुसार हमारा भाषा का विकास होगा, जैसी हमारी शब्दावली है, हम कैसी, जैसी हमारी इंटेलिजेंसी वैसी हमारी शब्दावली होगी, जो हमारा बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा, अच्छे से विकसित होगी भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, या भाषाएँ अंगों की अपरिपक्वता, जो भाषा अंग है जिससे हम भाषा जो जिसके द्वारा हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड कह सकते हैं, मुंह है, जीव है, जिसके द्वारा हम उच्चारण कर रहे हैं या आपके ओष्ठ हैं हम उच्चारण कर रहे हैं, वो सही से अपरिपक्व, सही से आपको भाषा विकसित नहीं होगी, जब शब्द अंगों का ही विकास नहीं हुआ तो भाषा सही से आप विकसित नहीं हो, सही से नहीं बोल पाता, या परिवार का आकार, परिवार का आकार छोटा आकार है तो सीमित भाषा विकसित होगी, भाषा उसकी सीमित होगी, सीमित शब्दावली होगी, उसे इंटरेक्शन का, उसे वार्तालाप का चांस कम मिलेगा, अब भाषा का आकार, परिवार का आकार बड़ा है तो उसे भाषा का विकास अधिक होगा, संयुक्त परिवार में देखते हैं तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग उनके अनुभव हैं, वो भाषा उनकी विकसित होगा, उन्हें चांस मिलेगा, बोलने का अवसर मिलेगा, भाषा विकसित होगी, या सामाजिक आर्थिक स्तर कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार भी भाषा विकसित होती है, भाषा विकास करता है, आर्थिक स्तर क्या है, आपने देखा वो निम्न स्तर के लोग हैं या आर्थिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर के लोग हैं उनकी भाषा उस तरह की शब्दावली है, गाली गलौज में बात कर रहे हैं या अभ्रष्ट उच्चारण कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या जिनके अवसर मिला है उन्हें सीखने का या विकसित करने का, उनकी शब्दावली दूसरी होगी, देखेंगे रिच होगी। नेक्स्ट द्विभाषावाद, जैसे वाइलिंगल हैं जो लोग, तो भाषा सही से विकसित नहीं होती, कभी कोई शब्द का यूज़ किया, कभी दूसरी भाषा का यूज़ किया, तो उससे भी भाषा विकास में अवरुद्धता आती है। विकास एवं कार्य, व्यवसाय एवं कार्य, व्यवसाय जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं या जो कार्य आप करते हैं, भाषा आपको उस तरह की होगी, जैसे कोई डॉक्टर व्यवसाय से जुड़ा है तो शब्दावली उस तरह से होगी, कोई शिक्षक है शब्दावली उस तरह की होगी, या कोई बिजनेसमैन है तो उसकी भाषा उस तरह से होगी, या किसी काम करने वाला, घर में झाड़ू पोछे करने वाले आती है, देखा होगा उसकी भाषा उस तरह से होगी, या और किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सब्जी वाला है, बेचने वाला, उसकी अलग तरह की भाषा होगी, तो उससे भी भाषा का विकास होता है, उस तरह की शब्दावली, जो चांस मिलता है, जिस तरह के रहने का अनुभव होता है, उसी तरह की भाषा विकास। उचित निर्देश है प्रेरणा का अभाव, किसी ने सिखाया ही नहीं किस तरह से बोलना है, या प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा से कह सकते हैं हम सामने वाला कोई बोल अच्छा बोल रहा है तो उससे हम इमिटेट कर, अनुकरण कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, अब निर्देश किसी ने सिखाया ही नहीं कि किस तरह से आपको बोलना है, किस जगह आपको किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना है, तो वहाँ भी भाषा प्रभावित होती है, विकसित नहीं हो पाती है। एक जो महत्वपूर्ण कारण है जिससे भाषा विकसित होती है, प्रभावित करती है, जो अधिक प्रभावित करती है, वो समुदाय है। समुदाय किस तरह से प्रभावित करता है वो आगे हम बात करेंगे। समुदाय बहुत प्रभावित करता है कि जिस तरह के कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस तरह के कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, उसी तरह की भाषा आपका होगी, वो बहुत प्रभावित करता है। किस तरह की, किस लोकेलिटी में, किस समुदाय में, किस परिवेश में आप रह रहे हैं, वो भाषा को प्रभावित करेगा। भाषा व समुदाय का संबंध, भाषा समुदाय में क्या संबंध है, भाषा समुदाय में एक बहुत संबंध, गहरा संबंध है। समुदाय भाषा को बहुत प्रभावित करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका व्यक्तित्व, चिंतन व व्यवहार समाज सापेक्ष होता है, समुदाय सापेक्ष होता है। जैसे समुदाय है, समाज है, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा, उसका चिंतन होगा, उसका व्यवहार होगा, सापेक्ष है उसके।
वहीं रह रहा है, उसे अनुकरण से सीख रहा है, उसी संपर्क में आ रहा है उन लोगों, उनके अव्यक्त कर रहा है, अपनी विचार अव्यक्त कर रहा है, समुदाय के लोग विचार अव्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं से उसकी पर्सनालिटी का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, वह चिंतन उसकी सोच विकसित होती है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बालक किसका अर्जन समुदाय में रहकर ही करता है। भाषा हम सीखते हैं, अर्जन करते हैं। बालक इसका अर्जन समुदाय में रहकर करता है, समाज में रहकर करता है। स्कूल में तो उसका विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, हम उसको पोषित कर रहे हैं, लेकिन वो सीखकर समुदाय से सीख के आता है। हर भाषा का एक निश्चित समुदाय होता है, हर समुदाय का एक निश्चित भाषा है। जो समुदाय जैसे समुदाय होगा उसी अनुसार उसकी भाषा होगी। अलग तरह के जो क्षेत्रीय समुदाय हैं या जो अलग अलग व्यवसाय करने वाले, उनकी एक अलग भाषा हो, एक अलग भाषा हो जाती है। समुदाय की सापेक्ष ही उसकी भाषा होगी। बालक की भाषा समुदाय अनुकूल है, समुदाय के अनुकूल ही उसकी भाषा होगी। जहाँ समुदाय जैसा समुदाय होगा वहीं भाषा की आवश्यकता होती है। समुदाय है तो भाषा की आवश्यकता है। बिना भाषा के हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। समुदाय विशेष से दूर रखेंगे बच्चे को हम, तो उसकी भाषा उस भाषा से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए हम जिस समुदाय के संपर्क में रहे तो उसका उस समुदाय की भाषा का विकास होना ही होना है। उसकी अपनी भाषा समुदाय के अनुकूल ही होगी। अगर किसी समुदाय विशेष से किसी बच्चे को हम दूर रखेंगे तो समुदाय की भाषा से भी वो दूर हो जाते हैं। भाषा समुदाय और मनुष्य को जोड़ने का कार्य करती है, आपस में एक इंटरलिंक करती है। कैसे उनको जोड़ना है, दोनों को समुदाय, भाषा अपने समुदाय से जोड़ के रखती है। भाषा भाषा का विकास समुदाय द्वारा ही होता है। समुदाय से ही वो सीखता है, घर से सीखता है। उसका घर प्रथम विद्यालय है, वहीं सीख रहा है कैसे उसको बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे दूसरों को अव्यक्त करना है, दूसरों को रिस्पॉन्ड करना है। स्कूल घर से सीख रहा है। घर क्या है, समुदाय है, समाज है, वहीं सीख रहा है, अपने परिवार के परिवेश से सीख रहा है। भाषा और समुदाय में निरंतर घात प्रतिघात चलता है, आपस में दोनों में संघर्ष चलता है, दोनों एक दूसरे से विकसित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा और समुदाय परस्पर एक दूसरे को संस्कार देते हुए आगे बढ़ते हैं। बालक के भाषा विकास पर समुदाय का प्रभाव क्या पड़ता है? सामुदायिक प्रारंभिक भाषा सीखने का मुख्य साधन है समुदाय। प्रारंभिक भाषा एलिमेंट्री लैंग्वेज सीखना है वो समुदाय से सीखे, मुख्य साधन है। अनुकरणीय द्वारा भाषा के विकास दूसरों के अनुकरण से सीखता है। धर्म संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव, जिस आर्थिक सामाजिक स्तर से आए उसका प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का प्रभाव, समुदाय शैक्षिक होगा, शिक्षा विकसित होगी तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय का प्रभाव, किस क्षेत्र से है उसका विकास, उसका प्रभाव, उसके समुदाय का प्रभाव भाषा विकास पर पड़ेगा। व्यवसायिता का प्रभाव, किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है समुदाय उसका प्रभाव पड़ता है। जागरूकता का प्रभाव, समुदाय जागरूक होगा तो उसका विकास पड़ेगा। जैसे जागरूक है अच्छी भाषा होगी। तर्क व चिंतन व बौद्धिक स्तर का प्रभाव, जैसा तर्क चिंतन होगा उसकी भाषा विकसित होगी। सामुदायिक गतिविधियाँ, जिस तरह की गतिविधियाँ उसके सराउंडिंग में हो रहा है तो उसका भी विकास, उसका प्रभाव पड़ेगा। सामुदायिक भाषा पर व्यवहार का प्रभाव, कैसे आपस में उनका व्यवहार क्या है, उनका रहन सहन क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, उस तरह से उनका विकास होगा। रुचियों का, किस तरह की रुचियाँ हैं समुदाय की, बच्चे की, वो प्रभाव पड़ेगा। परिवेश व भौगोलिकता का प्रभाव, जो उसकी भौगोलिकता है, जैसे पहाड़ का बच्चा है तो पहाड़ की उस तरह की लोकेलिटी की लैंग्वेज आएगी, प्लेन का है उस तरह की शब्दावली होगी, उस तरह की चीज़ें देखेगा परिवेश में तो उस तरह का उसका भाषा का विकास होगा। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं, कैसे सीखेगा भाषा? अनुकरण द्वारा सीखना, खेल खेल में सीखना, वार्तालाप के द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर के द्वारा सीखना, सांकेतिक संप्रेषण, साइन लैंग्वेज, जो हाव भाव है हमारे, जो जो इस तरह के हैंड मूवमेंट्स हैं, गेस्चर है, पोस्चर है, उसके द्वारा सीखना, ये भाषा सीखने के साधन है। नाट्य मंचन, उन्हें नाट्य मंचन का मौका दिया जाना चाहिए। ब्लॉक बिल्डिंग, बुक शेयरिंग, एक दूसरे की बुक शेयर करें, कहानी सुनाना, घटना वर्णन आदि। कहानी सुनाना, जैसे कोई बच्चे का कोई स्कूल आ रहा है, आप उससे कहें कि अभी तक आपने स्कूल में आए तो आपने क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, आप उसको कहानी के द्वारा सुनाइए। जैसी उसकी जो कहानी होगी, जो उसके क्रिया प्रतिक्रिया, वो उसकी कहानी के द्वारा उसको सुनाएगा, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, उसके द्वारा भी भाषा का विकास होता है। घटना वर्णन, क्या देखा उसने, कहानी सुनाना और घटना वर्णन, दोनों में उस तरह के तरह तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, शब्दावली उसकी विकसित होगी, उसके द्वारा छात्र सीखेगा। धन्यवाद।